दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप भारत के मुंबई में बैठे हो और वहां से बैठे बैठे कनाडा में हो रहे जस्टिन बीबर का शो देख रहे हो और वो भी दुनिया भर के हजारों लोगों के साथ। वाओ, मजा आएगा ना। अच्छा वेट, मेरा मतलब यूट्यूब या फिर टेलीविजन शो में लाइव कॉन्सर्ट देखने से नहीं है। अरे आज कुछ नया बताने वाला हूँ यार। देखिए वो तो इस तरह से लाइव कॉन्सर्ट हम अभी भी देख सकते हैं इस कोरोना के टाइम पर भी, है ना। ये एकदम वर्चुअल कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आप बिल्कुल वैसी ही फीलिंग ले सकते हो जैसे कि आप कनाडा में बैठे बैठे कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो। जी हाँ, कोई ट्रैवल करने का चक्कर ही नहीं। ये एकदम वर्चुअल कॉन्सर्ट होगा जिसमें आप बिल्कुल वैसी फीलिंग ले सकते हो जैसे कि आप कनाडा में बैठे बैठे कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो। यस, तो यकीन मानिए कि ये फ्यूचर में बिल्कुल पॉसिबल होने वाला है और ये पॉसिबल होगा मेटावर्स से, जहां आप वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और वैसी ही फीलिंग भी ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए धुनल मेहता आपका दोस्त एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आपको पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या, सो अभी तक मैंने मेटावर्स के बारे में जो बातें की ना, वो शायद आपको दिन में देखने वाले सपने लग रहे होंगे। आप मनी मन बोल रहे होंगे, क्या मजाक कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है क्या, हमने भी देख ली दुनिया यार, है ना। लेकिन जरा रुकिए, टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है और यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेटावर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। अब आप खुद ही सोचो ना, आज से 100 साल पहले अगर कोई कहता कि इधर से 1000 किलोमीटर दूर बैठे मेरे रिलेटिव से बात कर सकता हूँ, या फिर साल 1973 से पहले कोई मोबाइल फोन की बात करता, तो लोग उसे पागल ही समझते, कहते क्या बेवकूफ है रे, क्या बातें करता है ना। पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके बताया कि आप घर बैठे बैठे सैकड़ों किलोमीटर्स दूर बैठे रिलेटिव से बात कर सकते हैं। और ऐसे ही साल 1973 में जॉन मिशेल और मार्टिन कूपर ने मोटोरोला डायनाटेक 8000X नाम वाले पहले मोबाइल फोन का आविष्कार करके दिखा दिया कि बिना वायर के भी आप मोबाइल की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पर अगर आज की बात करें तो टेलीफोन और मोबाइल दोनों ही बहुत ही आम बात हो गई है। दुनिया के अपने पहले मोबाइल के लगभग 16 साल के बाद साल 1989 में तो मोबाइल वर्ल्ड में क्रांति आ गई। जी हाँ, इस साल नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसका वजन लगभग 800 ग्राम था। इसके बाद IBM जैसे अन्य खिलाड़ी भी जल्दी से इस सेक्टर में कूद पड़े और इंटरनेट के आविष्कार के साथ तो फिर क्या ही कहना, मोबाइल फोन ने बहुत सारी चीजों को उसमें समा लिया। अभी का मोबाइल फोन जो आपकी जेब में पूरी तरह से फिट होने वाला छोटा सा स्मार्टफोन है, वो आज से 20 साल पहले के 1000 विशाल कंप्यूटरों की तुलना से भी अधिक शक्तिशाली है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि 800 ग्राम वाले मोबाइल की जगह स्मार्टफोन कैसे आ गए। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उस समय भविष्यवाणी करना उतना ही कठिन था जितना कि आज मेटावर्स के बारे में भविष्यवाणी करना। जब जॉन इवे ने 2000 के दशक में स्टीव जॉब्स को टच स्क्रीन का विचार प्रस्तुत किया, तो एप्पल के कुछ सीनियर इंजीनियरों ने इस तकनीक पर संदेह किया और इस तकनीक को काम करने में एप्पल को लगभग 4 साल लग गए। पर जब एप्पल ने बिजनेस में प्रवेश किया ना, एप्पल ने क्या एंट्री मारी, फिर क्या ब्लैकबेरी हो, नोकिया हो, इन जैसे कॉम्पिटिटर्स को तो एप्पल ने कड़ी टक्कर दी, क्योंकि उनके पास एप्पल जैसी तकनीक नहीं थी और उन्हें एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल बनाने में सालों लग गए। अब फिर से हम अपने मूल टॉपिक यानी कि मेटावर्स में आते हैं। दोस्तों, जब से फेसबुक ने अपना नाम मेटा किया है और मेटावर्स लॉन्च करने की बात की है, तब से मेटावर्स मार्केट में एकदम हॉट टॉपिक बन गया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये मेटावर्स क्या चीज है यार, कौन सी बला है, कहां से आया है, कौन लेके आया है। कोई बात नहीं, सब बताऊंगा, एक एक करके सब समझाऊंगा। दोस्तों, ऑथर नील स्टेफेंसन ने अपनी साइंटिफिक नॉवेल स्नो क्रैश में मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने भविष्य में 3D इमारतों और अन्य वर्चुअल एनवायरमेंट की कल्पना की थी। अब जानते हैं कि मेटावर्स है क्या। देखिए, मेटावर्स एक 3D वर्चुअल ऑनलाइन एनवायरमेंट है जो यूजर्स को इसमें अपने जीवन को जीने के लिए पूरी तरह से वर्चुअल सोशल नेटवर्क में प्रवेश करने की परमिशन देता है। मेटावर्स मेटा और यूनिवर्स दोनों शब्दों का मिश्रण है। एक मेटावर्स में यूजर फिजिकल चीजों का वर्चुअल इंटरेक्शंस के साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है।
अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, जैसा हॉलीवुड की मूवीज में होता है ना, कुछ कुछ वैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। अब जानते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल रहा है। देखिए, अभी अभी जो मेटावर्स के बारे में जानने को मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से हमारे सामने आ गया हो। लेकिन आपको पता ही है कि अचानक से तो कुछ भी नहीं होता है ना, अचानक से ये भी नहीं हुआ है। और पिछले 20 वर्षों से इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं जानती थी। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के आने के बाद हम अपना अच्छा खासा समय इंटरनेट का उपयोग करके बिता रहे हैं, और पिछले 2 सालों में कोरोना के आने के बाद हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां हम इस वर्चुअल दुनिया में बातचीत करते हैं, मनोरंजन करते हैं, सीखते हैं और यहां तक कि काम भी करते हैं। अभी एकमात्र समस्या ये है कि अब हम स्क्रीन के माध्यम से मेटावर्स का अनुभव कर रहे हैं, पर आगे जाके हम 3D में मेटावर्स का अनुभव करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे पास पहले से ही ऑक्युलस, प्लेस्टेशन VR, HTC Vive, माइक्रोसॉफ्ट HoloLens जैसी चीजें हैं। यदि आपने उन्हें नहीं आजमाया तो ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। ऑक्युलस में गेम खेलना बिल्कुल अलग अनुभव है, पर साथ ही साथ ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये एकदम भारी है, बड़े हैं और असुविधाजनक भी हैं। और अभी कुछ सीमित चीजें हैं जो आप उस पर कर सकते हैं। अब मेटावर्स तो हमने समझ लिया, पर अब ये भी जान लें कि हमें किसका मेटावर्स यूज करना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना मेटावर्स बना रहा है। सबसे पहले बात करें मेटा की। मेटा जो कि पहले फेसबुक के रूप में जानी जाने वाली टेक दिग्गज कंपनी है, जिसने पहले से ही मेटावर्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें साल 2014 में ऑक्युलस का एक्विजिशन भी शामिल है। मेटा एक वर्चुअल वर्ल्ड की कल्पना करता है जहां डिजिटल अवतार VR हेडसेट का उपयोग करके मीटिंग्स, ट्रैवलिंग्स या एंटरटेनमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग मेटावर्स पर बड़ी आशा रखे हुए हैं। ये विश्वास रखे हुए हैं कि भविष्य में ये इंटरनेट की जगह भी ले सकता है। कंपनी की रीब्रांडिंग का खुलासा करने के बाद पिछले महीने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा का अगला प्लेटफॉर्म और भी अधिक अट्रैक्टिव होने वाला है, जहां आप मेटावर्स को एक्चुअली में फील भी कर सकेंगे। मेटावर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी पहले से ही होलोग्राम का उपयोग करती है और अपने माइक्रोसॉफ्ट मेश प्लेटफॉर्म के साथ मिक्स्ड एंड एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि XR को विकसित कर रही है, जो रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जोड़ती है। इस महीने की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने मेटावर्स से जुड़ी अपनी योजनाओं को जाहिर किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की बात करें तो रोब्लॉक्स और एपिक गेम्स इस सूची में सबसे ऊपर हैं। दोनों ने पहले से ही वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण किया है, जहां लाखों लोग एक डिजिटल इकोनॉमी का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं और गेम्स खेलते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स अपने डिजिटल समारोह को लेकर इन मेटावर्स के अंदर भी अपना जीवन जीते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज मेटावर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप मेटावर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा मुद्दे की बात हो जाएगी ना। चलिए, नंबर वन तरीका है मेटावर्स डेवलप करने वाली कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करिए। सिंपल है। अगर आप USA स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, रोब्लॉक्स, बोइंग या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट करके मेटावर्स में इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन है मेटावर्स में आप डिजिटल लैंड परचेज करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो यूजर्स मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं उसे ये पहचानने की जरूरत है कि ये किस प्लेटफॉर्म से डिजिटल रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं। इसमें पॉपुलर ऑप्शंस हैं डिसेंट्रालैंड और द सैंडबॉक्स। इसमें आपको डिजिटल लैंड परचेज करने के लिए आपको डिजिटल मनी लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए डिसेंट्रालैंड में डिजिटल लैंड खरीदने के लिए यूजर्स को माना टोकन खरीदने होंगे। अगर यूजर्स सैंडबॉक्स में लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसे सैंड टोकन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आप मेटावर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ओवरऑल कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को ये जान करके कि मेटावर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अभी तो मेटावर्स में भारी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां कंज्यूमर्स को ये समझाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही हैं कि मेटावर्स ही नेक्स्ट जनरेशन है, पर एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जैसे कि एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में कोई ये प्रोडक्ट नहीं कर सकता था कि एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज इतनी ग्रोथ करेंगी। पर मेरा सुझाव ये है, समझिएगा,
मेरा सुझाव ये है कि मेटावर्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखें कि इसमें इतनी ही रकम इन्वेस्ट करें जो आप होने के लिए तैयार हों, क्योंकि रिस्क तो अभी है ही ना। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने का मौका मिले। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।